हेलो एंड वेलकम बैक। वेल आज का जो टॉपिक है वो ये है कि HIV वायरस एक से दूसरे में कैसे आ जाता है, यानी मान लीजिए कोई लेडी पॉजिटिव है तो उससे पुरुष कैसे सिर्फ फिजिकल कॉन्टेक्ट करने से कैसे वायरस हमारे अंदर आ जाएगा, किस रास्ते से वो हमारे खून में शामिल हो जाता है या शरीर के अंदर आ जाता है, या फिर अगर एक पुरुष पॉजिटिव है तो वो कैसे एक महिला को पॉजिटिव बना देता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं बहुत शॉर्ट में। यहाँ पर हम इसको समझेंगे कि कैसे ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये महिला पॉजिटिव है, इसके अंदर वायरस है, ठीक है, लेकिन इसको नहीं पता है कि इसके अंदर वायरस है, तो कैसे ये इसके अंदर आएगा। अब जो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पार्टनर से मिलता है और इसने कॉन्डम का यूज नहीं किया है, यानी जो प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट पर इन्होंने कॉन्डम का यूज नहीं किया है, तो क्या होगा कि जब ये प्राइवेट पार्ट फीमेल के प्राइवेट पार्ट में अंदर जाएगा, तो अंदर जाने के बाद उससे जो चिकनावट होती है, जो फीमेल पार्ट में जो अंदर लुब्रिकेंट होता है, उस लुब्रिकेंट में वायरस होगा। बिकॉज ये महिला पॉजिटिव है, तो ये जो मान लीजिए कि हम प्राइवेट पार्ट मान लेते हैं ऐसे, तो ये जो प्राइवेट पार्ट है इसमें महिला के जो भी लुब्रिकेंट होता है, जो चिकनावट होती है अंदर, उसमें वायरस होगा। उसमें वायरस होने की वजह से जब पेनिस अंदर जाएगा, ये जो प्राइवेट पार्ट अंदर जाएगा, तो ये जो रास्ता होता है जिससे कि यूरिन बाहर आती है, ये रास्ते से ये वायरस अंदर आ जाएगा। यानी जब स्ट्रोक लेते हैं अंदर बाहर पेन लिंक करेंगे, तो ये जो वायरस यहाँ पर अवेलेबल है, ये वायरस इसमें लग जाएगा, ये जो रास्ता है जिस रास्ते से यूरिन पेशाब बाहर आता है, और ये इसके अंदर के जो थोड़ा अंदर की तरफ तक ये चिकनावट भर जाएगी, ठीक है, अंदर चली जाएगी। अंदर जाने की वजह से यही वायरस यहीं अंदर रुका रहेगा, आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, या फिर उसके बाद ये जो हमारी फोरस्किन होती है, कुछ लोगों में नहीं होती है, कुछ में होती है, तो सेक्स के बाद ये फोरस्किन इसको क्लोज कर देगी, ये बंद हो जाएगी, इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, ये वायरस अंदर ही आ जाएगा। समझ में आया? तो ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से आप यूरिन करते हैं, इसी रास्ते से ही ये धीरे 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 अंदर पहुंच जाता है और फिर ये बॉडी में मिल जाता है। ये तरीका है फीमेल से मेल में वायरस जाने का। अब दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि और कौन सा ऑप्शन होता है कि कैसे ये बीमारी एक से दूसरे में चली जाती है। तो उसमें यह है कि अगर मेल के प्राइवेट पार्ट पर यहाँ पर लालपन है, या यहाँ पर रैशेज हो गए हैं, या ये ऊपर का जो टॉप एरिया होता है इस पर लाल निशान है, या दाने हैं इस टाइप के, या किसी भी तरीके के दाने हैं, उभरे हुए रहते हैं, लाल रहते हैं, या ये फिर स्किन लाल रहती है, तो इसका मतलब ब्लड का कॉन्टैक्ट यहाँ पर स्किन पर आ चुका है, ब्लड है थोड़ा सा, यानी लालपन रहता है, और लालपन की वजह से यहाँ पर दाने खुजली हैं। तो ये जो लालपन है, ये लालपन या दाने या फिर रेडनेस, ये आपके जो मान लीजिए महिला से आप मिलते हैं उसको वायरस है, तो वो जो उसके प्राइवेट पार्ट में जो चिकनावट है उसमें जो वायरस होगा वो तुरंत यहाँ पर चिपक के और जल्दी बॉडी के अंदर उसको इजी वे मिल जाएगा आपकी बॉडी में जाने का। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर स्किन लाल हो रखी है, लाल की वजह से ये जल्दी ही बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये हो गया। बट मान लीजिए कोई भी बंदा फिजिकल कॉन्टैक्ट करता है और यहाँ कॉन्डम का यूज करता है, ठीक है, उसके बाद अगर वो कॉन्टैक्ट करता है तो क्या होगा, इस महिला का जो भी फ्लूड है, जो चिकनावट है, वो आपके इस आउटर एरिया पे कॉन्डम पे लगी रह जाएगी, ठीक है। तो जब कॉन्डम पे लगी रह जाएगी वो चिकनावट जिसमें वायरस है, तो आप इस फिजिकल कॉन्टैक्ट कंप्लीट होने के बाद आप इसको उतार दोगे। तो जब आप इसको ठीक से केयरफुली जब इसको उतार दोगे
तो अंदर से जो आपका प्राइवेट पार्ट है वो सेफ रहेगा और उसकी इस नली में कोई भी वायरस आएगा ही नहीं, है ना। तो जब नहीं आएगा तो पॉजिटिव होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि वो तो सारा कुछ ऊपर था ना, इसके ऊपर जो आपने कंडम यूज किया है उसके ऊपर होने की वजह से आपके अंदर किसी भी तरीके का वो वायरस नहीं आ सकता। बट जब भी इस तरीके के पार्टनर से कभी मिलते हैं, अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, तो वो कंडम थोड़ा सेफ्टी से उतारे, हाथ से ठीक से उतारे और उस हाथ को मुंह में ना ले जाए, कहीं और ज्यादा टच ना करें, सेफ्टी से उसको उतारे, डिस्पोज करें, हाथ धो लें और पॉसिबल हो तो प्राइवेट पार्ट का पूरा जागो का एरिया भी साफ कर लें। तो ये तरीका है सेफ्टी का, प्लस कैसे फीमेल से मेल में वायरस आ जाता है। अब हम इसको ऑपोजिट करेंगे कि अगर मान लीजिए मेल पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है तो कैसे ये बीमारी एक से दूसरे में चली जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पर मेल जो है वो पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है, तो उसमें सीधा सीधा बहुत एक ही ऑप्शन है कि जो मेल के जो प्राइवेट पार्ट है इससे जब ये डिस्चार्ज होगा, ये जब डिस्चार्ज होगा यहाँ से, तो इस सीमेन में भी वायरस होगा। तो जब सीमेन में वायरस होगा तो वो सीधा डायरेक्टली महिला के प्राइवेट पार्ट के अंदर छूट जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो अंदर जब छूटेगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें से बहुत सारा अमाउंट जो होता है कभी कभी बाहर भी निकल आता है, लेकिन कुछ अमाउंट तो बॉडी के अंदर ही रह जाता है फीमेल में, और वो बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब भी हो जाता है अंदर ही। तो उससे फिर ये वायरस भी बॉडी में चला जाएगा और जो फीमेल होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। बट अगर इस कंडीशन में भी अगर मेल पर्सन अगर कॉन्डम का यूज़ करते हैं तो फिर क्या होगा कि जो सीमेन है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, है ना, और जिसके अंदर वायरस है वो भी सब यहीं रुका रहेगा, तो एक से दूसरे में बीमारी जाएगी ही नहीं। तो क्योंकि जो वायरस है वो सीमेन में है, स्पर्म में है, तो वो अगर इसके अंदर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर इस पर कॉन्डम आप यूज़ करते हैं देन ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये बचने का तरीका हो गया, और अभी जो मैंने बताया वो ट्रांसमिट होने का तरीका हो गया कि मेल से फीमेल कैसे पॉजिटिव हो जाती है। तो ये है। फिर बाकी आपके क्वेश्चन बहुत सारे थे ओरल से रिलेटेड, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ और दूसरे वीडियोस में, वो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। इस बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल थे, बहुत कंफ्यूजन थे कि कैसे ये एक दूसरे में आ जाता है। आई होप कि आज आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया है और इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे जरूर नीचे कमेंट ऑप्शन में कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, या फिर मैं उसको वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।